नमस्कार, मैं आयुष पाल, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। 6 अगस्त 1945 ये जो डेट है ये दुनिया के लिए एक आम डेट की तरह थी, लेकिन जापान के लिए नहीं। जापान और अमेरिका विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थे और जापान में ये सुबह होती है एक अलार्म के साथ। एक पादरी होते हैं, वे अपने दोस्त के यहाँ चाय पीने जाते हैं, लेकिन चाय पीते वक्त ही उन्हें ये अलार्म सुनाई देता है। जब ये अलार्म बजता है, जब 8 बज रहे होते हैं घड़ी में, चाय पीते ही रहते हैं, तभी 8:15 पर नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब इतना खतरनाक होता है कि इसमें आसपास की बिल्डिंगें सब कुछ तबाह हो जाता है और इंसान भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन आज हम इस न्यूक्लियर बॉम्ब की बात क्यों कर रहे हैं, या इस न्यूक्लियर अटैक की बात क्यों कर रहे हैं? जापान में ये अलार्म फिर से सुनाई दिया है। जी हाँ, इसी हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने लगभग एक हफ्ते के अंदर 5 मिसाइल टेस्ट किए हैं। इन्हीं 5 मिसाइल टेस्ट में से एक जो मिसाइल थी वो जापान के एयर जोन में जाती है। जापान के एयर जोन में जाने के बाद ही वहाँ का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होता है, या मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसके कारण अलार्म बजने लगते हैं। अलार्म बजने के बाद हम लोग वायरल वीडियोज़ में देख सकते हैं किस तरीके से जापान के जो लोग हैं वो अफरा तफरी में भागते हुए चेंबर्स भागते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ था। इस युद्ध अभ्यास को लेकर जो नॉर्थ कोरिया है वो काफी चिढ़ा हुआ है और इसी चीज़ के कारण उसने लगभग 5 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए हैं। और इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट में से जो एक मिसाइल थी वो जापान के एयरजोन में से गुजरी और जापान की समुद्री सीमा से मात्र 3000 किलोमीटर दूर जाकर गिरी है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हमारे सामने आ रहे हैं। जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनका भी रिएक्शन इस चीज़ में हमारे सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसका सख्त से सख्त जवाब दी जाएगा। इसी के अलावा अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए से भी रिएक्शन इस चीज़ को लेकर आए हैं। यूएसए में भी कहा गया है कि ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया की इस तरीके की कार्रवाई सैंक्शंस के बावजूद भी क्यों चलती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना से जो बैकअप नॉर्थ कोरिया को मिलता है, जिसके कारण वो मजबूत हैं और आज भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। खैर, इस तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट उस एरिया में जारी रहने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त का जो दौर है वो नॉर्थ कोरिया सर्वाइव करने के लिए देख रहा है और अमेरिका कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के बाद से ही नॉर्थ कोरिया पर काफ़ी अटैकिंग है। तो इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट आने वाले वक्त में भी जारी रहेंगे। खैर, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।